जम्मू के लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप भी स्ट्रीट लाइटों के खराब होने की वजह से परेशान हैं तो अब आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो नए कमिश्नर साहब आए हैं उनके द्वारा एक बड़ा कदम जो है वो जम्मू शहर के अंदर खराब स्ट्रीट लाइटों को लेकर उठाया गया है, जिसमें 50 के करीब टीमें जो है वो इस हवाले से बनाई गई हैं। हर टीम में दो लोग जो है वो शामिल किए गए हैं और ये दो लोग जो है वो हर रोज जो है वो 1000 जो खराब स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी जो है वो मरम्मत की जाएगी। एक बहुत बड़ा कदम है। लगातार जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो नए कमिश्नर आए हैं उनके द्वारा जो है वो अलग अलग इलाकों का दौरा किया जा रहा है और इसी के साथ साथ ये कहें कि उन्होंने ये कहा है कि आने वाले दिनों में जम्मू में जो है वो काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा और हर टीम में दो लोग शामिल किए गए हैं, जबकि एक टीम जो है वो हर दिन 20 लाइटें जो है वो वहाँ पर ठीक करेगी। शहर में जो है वो अब लगातार जिस तरह से लोग ये कहते थे कि जनाब उनके एरियाज की स्ट्रीट लाइटें जो है वो काफ़ी देर से ख़राब हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से 50 टीमों का गठन जो है वो किया गया है और उसमें एक टीम में दो जो मुलाजिम है वो इसमें लाइटों को ठीक करेंगे और साथ साथ 500 लाइटों को जो है वो इसमें जो है वो ठीक किया जाएगा। लेकिन ऐसे में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये दावा है कि एक महीने के अंदर अंदर खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जो है वो ठीक किया जाएगा और इससे शहर फिर से कई सारी जगहों पर स्ट्रीट लाइट्स जो है वो खराब हैं और शाम ढलते ही शहर में जो है वो अंधेरा छा जाता है और उसके साथ साथ लोग बाजारों में गलियों में जाने से जो है वो डरते हैं और लोग जो है वो कई बार ये भी कहते थे कि स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से जो है वो उनके एरियाज में जो है वो अंधेरे में चोर आकर जो है वो अपने मकसद में कामयाब रहते हैं। लेकिन अब ऐसा पूरे जम्मू शहर में जो है वो लगभग 96,000 के करीब जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं और पहले वाली कंपनी की बात करें तो उन्होंने बीच में काम को जो है वो एजेंसी ने काम को रोक दिया था, लेकिन अब फिर से काम शुरू किया गया है। और इस सिलसिले में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जो दिव्यांश यादव हैं उन्होंने गांधीनगर के साथ साथ कई सारे इलाकों का दौरा किया है और उसमें लोगों की परेशानियों को सुना है। लेकिन इसी के साथ साथ बता दें कि जल्द ही जो है वो पूरे जम्मू शहर की लाइटों को जो है वो उनकी मरम्मत एक महीने के अंदर की जाएगी, ऐसा उनका दावा है। लेकिन देखने वाली बात है कि कितने दिनों के अंदर जो है वो जम्मू शहर में इन स्ट्रीट लाइट्स को ठीक किया जाएगा। तो जनता भी ज़रूर बताए कि आपके इलाके में भी स्ट्रीट लाइट जो है वो कोई ख़राब है या फिर नहीं। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून के अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर जम्मू।